અને ભગવાન તારી પાંચમી ભૂલ, દાદા બાપુ કહે છે સાંભળજો, ભગવાન તારી પાંચમી ભૂલ કે પાર્થને ભીષમ પિતા જૂટ્યા બે જદુરાણ, પાર્થને ભીષમ પિતા જૂટ્યા બે જદુરાણ, હે યદુકુલ શિરોમણી પાર્થને ભીષમ પિતા જૂટ્યા બે જદુરાણ, એક ઓર પાર્થ યાને અર્જુન, દૂસરી ઓર ગંગા પુત્ર ભીષ્મ પિતામહ, દોનો રણ મેદાન મેં આમને સામને। और देखो पार्थ जो है वो भीष्म की गोदी में खेल कर बड़ा हुआ है और समय में दोनों को आमने सामने रण मैदान में खड़े कर दिए हैं। तब भगवान ने अर्जुन का रथ चलाने की प्रतिज्ञा की थी, और इतना नहीं साथ साथ ये प्रतिज्ञा की थी कृष्ण ने कि मैं युद्ध में हाथ में हथियार नहीं उठाऊंगा, हाथ में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं केवल अर्जुन के सारथी का काम करूंगा, अर्जुन का रथ चलाऊंगा। ये प्रतिज्ञा कोई ऐरे गैरे की तो नहीं थी, ये तो श्री कृष्ण की थी, स्वयं कृष्ण वंदे जगत गुरु, ये योगेश्वर की प्रतिज्ञा थी, वो रासेश्वर की प्रतिज्ञा थी, कोई साधारण व्यक्ति की तो प्रतिज्ञा नहीं थी। तो फिर से सुनना आप बेटा, बहुत प्यारी बात है कि पार्थ ने भीषम पिता, पार्थ यानी अर्जुन, और दूसरी ओर दादा भीष्म जुटा पे जदुराण, रण मैदान में दोनों आमने सामने आ गए, बंदूक बहारम मारम मारम हा हा कारम हो कारम कर धरतर वारम खबर कटारम धनुगर धारम टंकारम, बंदूक बहारम मारम मारम हा हा कारम हो कारम, भयानक चल रहा था सब माहौल जब युद्ध का, तब स्थिति कुछ ऐसी आ गई कि दादा भीष्म ने इतनी भयानक बाण वर्षा कर दी, इतनी भयानक कि अर्जुन भयभीत हो गया, अर्जुन भयभीत हो गया। और एक और दादा भीष्म भी परम भक्त है कृष्ण के, और दूसरी ओर अर्जुन भी परम भक्त है, ये विचित्र बात है सब, ये कृष्ण का जीवन ही ऐसा है कि सब उसको चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि मैं हाथ में हथियार उठाऊंगा नहीं, लेकिन जब अर्जुन भयभीत हो गया और कृष्ण के सामने देखते हैं गोविंद, तब कृष्ण समझ गए कि अगर अभी मैंने मेरी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ दी तो आज पूरी बाजी पलट जाएगी, पूरी बाजी युद्ध की पलट जाएगी, पांडवों के पक्ष में बाजी नहीं रहेगी। तो तब भगवान कृष्ण ने क्या किया पता है, रथ की बागडोर छोड़ दी रथ की लगाम, और श्री कृष्ण भयानक क्रोधित हुए। ऐसा बहुत कम सुनने मिलेगी ऐसी कथा है बेटा आपको, कृष्ण भयंकर रूप से क्रोधित हो गए, और कृष्ण ने शस्त्र तो हाथ में उठाऊंगा नहीं ये प्रण किया था, लेकिन जब अर्जुन को भयभीत देख लिया, अपने मित्र को भयभीत देख लिया, तब श्री कृष्ण ने क्या किया कि रथ का पहिया उठा लिया, सुदर्शन चक्र बनाकर हाथ में रथ का पहिया, और दादा भीष्म की ओर टूट पड़ने की तैयारी। और जैसे ही किशन दादा भीष्म पर टूट पड़ने की तैयारी, इसी क्षण दादा भीष्म ने हाथ जोड़ लिए कि बस गोविंद में आपका यही स्वरूप देखना चाहता था, और मैं भी आपका परम भक्त हूँ, तो आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मेरी प्रतिज्ञा थी, भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि हे कृष्ण तेरे हाथ में हथियार रण मैदान में मैंने उठवाए नहीं तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं, और कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि मैं हाथ में हथियार उठाऊंगा नहीं, लेकिन भीष्म कहते हैं कि धन्य है हे गोविंद मैं आपका भक्त हूँ, और मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आपने स्वयं की प्रतिज्ञा तोड़ दी, ऐसे कृष्ण के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। ये भीष्म स्तुति आप जब भागवत में पढ़ें तब आपको सब पता चलेगा। अभी हम बात कर रहे हैं कृष्ण की पाँचवीं भूल की, कितनी कथाएं आ गई रेफरेंस में। तो कृष्ण की पांचवी भूल कौन सी है कि पार्थ ने भीषम पिता जुट्या बे जदुराण, पार्थ ने भीषम पिता जुट्या बे जदुराण, हे जदुराण आमने सामने जो आ गए पार्थ और भीष्म पितामह, त्या भूली गयो भगवान, त्या भूली गयो भगवान तू सत निज वचन श्यामड़ा, त्या भूली गयो भगवान तू तेरे वचन को भूल गया, और अर्जुन की तूने रक्षा के लिए। और ये भी बड़ी बात, बड़ी प्यारी बात है कि जब कृष्ण ने हाथ में रथ का पहिया उठा लिया,
भीष्म पर छोड़ने के लिए, तब अर्जुन को याद आया भगवान की प्रतिज्ञा है कि शस्त्र हाथ में नहीं उठाना है और कृष्ण को कलंक नहीं लगना चाहिए, कृष्ण को कलंक नहीं लगना चाहिए, कृष्ण की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। तो अर्जुन कृष्ण के पैर पकड़ लेता है और 10 कदम तक घिसटता है। अर्जुन ने पैर पकड़े हैं और कृष्ण हाथ में रथ का पहिया उठाकर काल की तरह भीष्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अर्जुन बेचारा कृष्ण का पैर पकड़कर, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो, प्रभु रुक जाओ। लेकिन किसी की सुने तो वो कृष्ण कैसा, ये बांके बिहारी कैसा, जो टेढ़ा ही है बांका ही है, तो बांके बिहारी कैसा। तो अर्जुन की भी लाज रह गई, भीष्म की प्रतिज्ञा भी रह गई, कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। पर गढ़ा ने दादा बापू खाचर कैसे है कि त्या भूली गयो भगवान, तू सत्य निज वचन सांभळा, तेरा वचन तूने तोड़ दिया, आ तारी 5मी भूल। अने छेले बहु सरस वात करे छे, 2 मिनिट पछी वात करी।